नमस्कार, अल्ट्रा हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक जटिल रोग के बारे में जिसका नाम है आमवात, जिसे आप रिमेटेड अर्थराइटिस या गठिया के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आम के बारे में कि यह आम क्या चीज़ होती है और ये हमारे शरीर में कैसे बनता है। आम दुर्बल कोष्ठाग्नि से या भारी भोजन के बाद जब इसका पाचन ठीक से नहीं होता तो इससे जो एक कच्चा रस बनता है जो कि रस धातु से थोड़ा भिन्न होता है, इसे हम आम रस कहते हैं। आयुर्वेदिक भाषा में आम रस कहते हैं। यह आम रस जब हमारे शरीर में जोड़ों के अंदर जाता है तो वहाँ पे जम जाता है और उससे जो बीमारी पैदा होती है उसको हम आमवात के नाम से जानते हैं। हमारे जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड यानी कि एक चिकनाई जैसा पदार्थ रहता है जो कि मूवमेंट के टाइम लुब्रिकेशन का काम करता है। यह आम रस एसिडिक होने की वजह से साइनोवियल फ्लूइड को ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे जॉइंट पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, चलने में तकलीफ और जोड़ों के आपस में रगड़ खाने की वजह से कड़कड़ की आवाज़ भी सुनाई देती है। अब हम कारणों के बारे में जान लेते हैं कि किन वजह से ये हमारे शरीर में बीमारी होती है। मेनली ये बहुत ज़्यादा भोजन करने से और भोजन ज़्यादा तला हुआ या भारी भोजन जिसको हम बोलते हैं वैसे भोजन करने से होती है। सेकेंडली डाइजेशन सिस्टम अगर किसी का वीक है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और उसके अलावा कुछ चीज़ों को हम मना करते हैं, जैसे गर्म के ऊपर ठंडा या ठंडे के ऊपर एकदम से गर्म पदार्थ नहीं खाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनमें भी ये समस्या देखी गई है। सिम्टम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, लक्षण जो कि शरीर में इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें जोड़ों में दर्द होगा, सूजन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, पेशेंट को फीवर और चलने में तकलीफ होती है, जोड़ों के अंदर स्टिफनेस महसूस होती है और जब वो चलते हैं तो कड़कड़ की आवाज़ आती है। और ज़्यादातर देखा गया है अर्ली मॉर्निंग पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे फिर जब वो चलते हैं तो उनके जोड़ों की स्टिफनेस थोड़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों अब हम इसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में जान लेते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट में इस रोग का ट्रीटमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि जो दोष स्रोतों के अंदर चले जाते हैं तो सबसे पहले उनको हमें बाहर लाकर शरीर से बाहर निकालना पड़ता है और शरीर का पूरा शोधन करना पड़ता है ताकि टॉक्सिन्स जो जोड़ों के अंदर चले गए हैं वो बाहर आ जाएं, तभी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। दोस्तों आप जानते हैं एलोपैथिक के अंदर इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि पेन किलर्स ही दे दी जाती हैं जिससे कि मरीज को दर्द महसूस ना हो, परंतु उससे बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। और इसके अलावा पेन किलर्स अगर हम बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हमारे किडनी, लीवर इन सब जगह पे उसका बैड इफ़ेक्ट होगा और धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट्स में कुछ ऑर्गन्स खराब होने का भी खतरा रहता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के अंदर हम इसका इलाज पंचकर्मा चिकित्सा के थ्रू कर सकते हैं। पंचकर्मा से हमारे शरीर का पूरा शोधन हो जाता है और जो टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर हमारा एकदम शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही कुछ योग भी आयुर्वेदिक में पाए गए हैं जो कि इसमें लाभकारी होते हैं, जैसे कि चंद्र प्रभावटी, महायोगराज गूगल, रासनादिक्वाथ, रात को एरंड का तेल या कैस्ट्रॉयल जिसको बोलते हैं वो दूध के साथ पिलाना चाहिए और मॉर्निंग में सुबह के टाइम गुड़ूची का रस और अदरक का रस मिलाकर पिलाना चाहिए जो इस रोग में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। दोस्तों तो ये एक ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको चर्चा करूँगा हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी रोग के बारे में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर भी बात कर सकते हैं या मुझे मेल भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, दोबारा फिर मिलेंगे। नमस्कार।